हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुप्रीम जीतन राम मांझी ने गया के इमामगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी फाइनल कर दिया है और पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को उतारा जाएगा और चुनावी मैदान में पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। दीपा मांझी बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन एवं लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी है और दीपा मांझी को चुनावी मैदान में लाने के साथ ही साफ हो गया है कि हम पार्टी में अभी परिवार के सदस्यों पर ही भरोसा किया जा रहा है। जीतन राम मांझी के अलावा उनके बेटे संतोष मांझी, संतोष कुमार सुमन, उसकी सास के बाद अब उनकी पत्नी राजनीति में कदम रखने जा रही है। मौजूदगी जीतन राम मांझी के पुत्र और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके आवास पर है। देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन ने इमामगंज सीट के लिए प्रत्याशी चुन लिया है। जी हाँ, प्रत्याशी कौन है इसकी जानकारी हम आपको दे दें। उससे पहले आपको यह खबर बता दें कि यह खबर पूरी तरह से अभी आधिकारिक रूप से नहीं दिया गया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबरें छनकर आई हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन की जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पार्टी है, जो वर्तमान में एनडीए गठबंधन के साथ है, जो उम्मीदवार है इमामगंज के लिए, उसको तय कर लिया है। तो देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया के इमामगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी जो फाइनल किया है, उनका नाम दीपा मांझी है। देखिए, आपको यह भी हम बताते चले कि जो दीपा मांझी है वो और कोई नहीं, डॉक्टर संतोष सुमन की पत्नी। दीपा मांझी, देखिए, दीपा मांझी कोई बिहार के राजनीति के लिए नई चेहरा नहीं है, क्योंकि बराबर ट्विटर वार जो है चलते रहता है। रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की पुत्री है, उनके साथ ट्विटर विवाद में हमेशा ही इनके नाम को दिखाया गया। हालांकि ये जरूर बात है कि वो ट्विटर अपने से करती हैं या कोई और करता है, इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं है। लेकिन अब जीतन राम मांझी के परिवार की एक सदस्या अब बिहार की राजनीति में सीधे रूप से एंट्री मारने वाली है, इसकी खबर तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन इसके पीछे भी पेच है। यह खबर कोई सूत्रों के हवाले से नहीं आ रही है, यह खबर किसी अन्य सोर्सेस से नहीं आ रही है, यह खबर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कुछ लोगों के माध्यम से ही आ रही है। और जी हां, बिल्कुल जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनके द्वारा ही यह खबर फैलाई गई है। अब जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबरें हैं, जो ये लोग चाह रहे थे कि वो खबर दब जाए, वो ना आए, अब हम वो खबर आपको बताना चाहते हैं। खबर यह है कि देखिए, इमामगंज सीट के लिए जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के परिवार में भी कई तरह के विवाद चल रहे हैं। उनके जो बेटे हैं, उनकी जो बेटी है, वह भी वहां से टिकट चाहती थी और इसको लेकर परिवार में एक विवाद है। और साथ साथ जो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम मोर्चों संगठनों के जो लोग हैं, वह भी चाहते हैं कि केवल दरी बिछाने का काम ना करें बल्कि टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। लेकिन उन सभी के साथ कहीं ना कहीं छलावा दिखा है, तब जाके वह लोग सामने आने की बजाय अब इस बात पे चर्चा होने लगी है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। जो खबरें फैलाई गई हैं, जो कि हमारे पास जो इनपुट आ रहा है कि हम पार्टी के तरफ से ही ये खबरें फैलाई गई हैं, उसका रिएक्शन देखने के लिए कि आखिर जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो लोग हैं, वह इस पर क्या कुछ सोचते हैं। जो दीपा मांझी, जो संतोष सुमन की पत्नी है, क्योंकि देखिए, एक परिवार से कितने लोग बराबर परिवारवाद की बात कहते हैं। बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम परिवारवाद के विरोधी हैं। तेजस्वी यादव को परिवारवाद का, लालू यादव को परिवारवाद का जनक बताया जाता है। लेकिन अब परिवारवाद अगर एनडीए के कुनबे से ही अगर होने लगे तो सवाल तो जरूर उठता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशी की जब घोषणा होगी तब पर भी हम आपको अपडेट दिखाएंगे। हालांकि हम मौजूद जरूर हैं संतोष सुमन के आवास पर और संतोष सुमन इस वक्त मौजूद हैं, अंदर में मौजूद हैं संतोष सुमन। हमने उनसे बात करने का भी प्रयास किया, प्रवक्ताओं से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी कार्यकर्ता ने इस मामले पर
कोई भी जानकारी नहीं दी, लेकिन सब ये चाहते हैं कि दीपा मांझी के बारे में चर्चा हो, दीपा मांझी के बारे में बिहार में बातचीत हो, और उसके बाद फिर जब पूरी तरह से बातें छन कर निकल जाए और जब सारा विवाद खत्म हो जाए तब जाके पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करे। हमारी नजर हर अपडेट पर है, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, खबरों के साथ भी, और खबरों के अंदर की जो खबरें हैं वह भी हम आपको निकाल के देंगे। पटना से सागर।